खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। सिरसा जिला के चौटाला गांव के इस समय 5 विधायक हैं जो विधानसभा में लगातार सवाल और जवाब पूछते रहते हैं, लेकिन उनके ही गांव के लोग अब उनसे गांव में मूलभूत सुविधाएं देने का जवाब मांग रहे हैं। गांव चौटाला के ग्रामीण पिछले 19 दिनों से सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था और गाँव की बदहाली को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज लगातार 19वें दिन नवजात शिशुओं के मौत प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने, सभी रिक्त पदों को भरने एवं अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन भी जारी है। धरना स्थल पर चौटाला गांव के सैकड़ों लोग 19 दिन से संघर्षरत हैं, लेकिन आज तक उपायुक्त सिरसा और स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ ने धरना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों की कोई सुध नहीं ली है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों की चेतावनी के अनुसार चौटाला गांव का बाजार, दुकानदार, व्यापारी बंधुओं के सहयोग से एक दिन का पूर्ण रूप से बंद भी किया गया था, लेकिन शासन और प्रशासन ने ग्रामीणों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज लगातार 18वें दिन यहां प्रसूति रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, दो चिकित्सक तुरंत प्रभाव से लगाने, यहां ऑपरेशन थिएटर मोर्चरी को 23 वर्षों के बाद पुनः शुरू करने, सभी रिक्त पदों को भरने, सभी अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। इस आंदोलन में, इस संघर्ष में इलाके के तमाम किसान, मजदूर, नौजवान, दुकानदार, व्यापारी बंधु, तमाम विभूतियां जोरदार भागीदारी सुनिश्चित कर रही। आप सब साथियों को ज्ञात है कि 21 दिसंबर से चौटाला से जन चेतना पदयात्रा जो कि चंडीगढ़ के लिए चलेगी, जन चेतना पदयात्रा की साथियों चौटाला गांव वह आसपास के गांव में जोरदार तैयारियां आज नौजवान साथियों ने शुरू कर दी है। आइए जानते हैं कि चौटाला गांव से जुड़े नेता कौन कौन हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम हैं, तो आपको बता रहे चौटाला गांव के कौन कौन से नेता हैं। रणजीत सिंह बिजली मंत्री हैं, तो ये लिस्ट आपको बता रहे हैं कि कौन कौन लोग वहां पर हैं। नैना चौटाला जज भवन का है, वहीं आपको बता दें कि अभय चौटाला जो है वो इनोलो विधायक है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, साथ ही बता रहे कि कौन कौन वहां पर जो जुड़े हुए नेता है। वहीं अमित सिहाग कांग्रेस विधायक वहां पर है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि चौटाला की मांग क्या क्या है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, तो उन लोगों का कहना है कि बाल रोग विशेषज्ञ की को जो है वहां पर तैनात किया जाए, वहीं नवजात शिशुओं की मौत की निष्पक्ष जांच की भी वो लोग मांग कर रहे हैं। तो हम आपको बता रहे क्या क्या मांगे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था जो है उसमें सुधार लाई जाए, इस तरह की जो मांग है उसकी लंबी लिस्ट है, वही हम आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए।